नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के रेगाव में जन दर्शन कार्यक्रम में शनिवार को करी बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री बोले, कृषि भूमि में नहीं लगेगा कोई सीमेंट प्लांट। सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक, उपचुनाव की रणनीति को दिया गया अंतिम रूप। 14 कमेटियां बनाकर 3-3 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश, संगठन से समन्वय बनाकर रखें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवाले शनिवार को इंदौर में रहेंगे, कई कार्यक्रमों में हो सकते हैं शामिल। गुना में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की डेंगू रिपोर्ट मिली पॉजिटिव, खुद ही सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कर रही है धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उमा भारती आए व मुख्यमंत्री से बात करके ले निर्णय। शराबबंदी के फैसले पर महिला कांग्रेस उनके साथ। ग्वालियर मुरैना के साथ भिंड में तनाव, गुर्जर समाज के युवकों ने 3 बस में तोड़फोड़ की, फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश में देर रात 1 से 4 बजे तक शाजापुर जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपीएससी 2020 में भोपाल की जागृति सेकंड टॉपर, पिता बोले बेटी ने यूपीएससी के लिए भेल में क्लास 1 पोस्ट की नौकरी छोड़ने की बात रात में कही, हाँ कहते ही सुबह दे दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जिलों में हुई भारी बारिश, वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी करी जारी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।